मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में हर दिन लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं। यहां से श्रद्धालु बेसन के लड्डू प्रसाद के आशीर्वाद के रूप में अपने साथ लेकर जाते हैं। यह प्रसाद श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति द्वारा अत्यंत शुद्धता से तैयार किया जाता है। श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति के सहायक प्रशासक डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी के अनुसार यह प्रसाद उज्जैन के चिंतामण के पास स्थित एक यूनिट में तैयार होता है, जहां हर दिन 25 से 30 क्विंटल लड्डू बनाए जाते हैं। खास पर्वों पर यह संख्या बढ़कर 50 से 60 क्विंटल तक हो जाती है। इस यूनिट में लगभग 60 कर्मचारी कार्यरत हैं, जो प्रसाद की शुद्धता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हैं। प्रसाद बनाने से पहले सभी कर्मचारियों का हैंड वॉश करवाया जाता है और उनके लिए सिर पर टोपी पहनना अनिवार्य है। बेसन के लिए चने की दाल खरीदी जाती है, जिसे चक्की पर पीसकर उपयोग में लाया जाता है। लड्डू में डाले जाने वाले ड्राई फ्रूट्स की भी पहले लेबोरेटरी में जांच होती है, ताकि प्रसाद की गुणवत्ता बनी रहे। महाकालेश्वर प्रबंध समिति द्वारा तैयार किए गए इस प्रसाद को सेफ भोग अवार्ड और 5-स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है, जो इसकी शुद्धता और उच्च गुणवत्ता का प्रमाण है। श्रद्धालु इसे 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम और 1 किलो के पैकेट में खरीद सकते हैं, जिसका मूल्य 400 रुपए प्रति किलो निर्धारित है। श्रद्धालु मंदिर में स्थापित काउंटर से अपनी सुविधा के अनुसार प्रसाद ही खरीद सकते हैं। मंदिर में प्रतिदिन 25 से 30 क्विंटल लड्डू प्रसाद वितरित किया जाता है, जो भक्तों की भक्ति और आस्था को मजबूत बनाता है। महाकालेश्वर मंदिर का यह प्रसाद श्रद्धालुओं के बीच न केवल एक प्रसाद ही है, बल्कि बाबा महाकाल का आशीर्वाद है। श्रद्धालु इसे पाकर स्वयं को धन्य मानते हैं और यह लड्डू उनके भक्ति के सफर का अभिन्न हिस्सा बन जाता है।